चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 तबाही मचा रहा है। इसे लेकर दुनिया के कई देशों में टेंशन बढ़ गई है। चीन वाले कोरोना को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.7 को लेकर एक तरफ जहां चीन समेत दुनिया के कई देश टेंशन में है, तो वहीं भारत को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि चिंता का कोई कारण नहीं है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से भारत में कोरोना की कोई लहर नहीं आने वाली। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स बेंगलुरु में वायरोलॉजिस्ट और अनुसंधान और विकास के प्रमुख डॉक्टर वी रवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट भारत में एक और लहर नहीं लाएगा। उनका कहना है कि नया वेरिएंट भारतीय आबादी के लिए कोई गंभीर जोखिम पैदा करेगा ऐसी संभावना नहीं दिखती। सबसे खराब स्थिति में भी इस वेरिएंट से केवल एक या दो दिन सांस की दिक्कत हो सकती है। भारत में BF.7 वेरिएंट का सबसे पहले गुजरात में पता चला था। BF.7 ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, उनमें ये नियमित रूप से SARS-CoV-2 की तरह असर करेगा। डॉक्टर रवि ने कहा कि चीन में यही हो रहा है। चीन के लोगों को ना तो इस वेरिएंट के बारे में बताया गया और ना ही उन्हें वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी, उनमें ये वेरिएंट SARS-CoV-2 वायरस की तरह व्यवहार करेगा। हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। भारत ने दो खुराकों के 100% कवरेज के साथ टीके की 220 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी हैं और बूस्टर डोज भी लगाए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन को ज्यादा प्रभावी पाया गया। भारत के अधिकांश लोग कोरोना से पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। पहले कोरोना, फिर वैक्सीन, इस तरह से भारतीयों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। गुजरात में जब मामला आया, इसके 3 महीने बाद से हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ। कोरोना को लेकर अब भी हेल्थ एक्सपर्ट कोविड नियमों को पालन करने की बात कर रहे हैं। संक्रामक रोग एस्टर CMI अस्पताल बेंगलुरु की कंसल्टेंट डॉक्टर स्वाति राजगोपाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के लक्षण अन्य सब वेरिएंट से काफी मिलते जुलते हैं। इसके लक्षणों में भारी हुई नाक, गले में खराश शामिल है। इसके साथ ही बुखार, थकान और दस्त भी इसके लक्षणों में शामिल हैं। इस वायरस को लेकर खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। NBD ऑनलाइन के लिए पंकज सिंह की रिपोर्ट।